हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल। वेलकम इन योर जीके क्लास स्टूडेंट्स। आफ्टर मिड टर्म एग्जाम्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पोस्ट मिड टर्म सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट बच्चे अपनी बुक ओपन करेंगे जीके की चैप्टर 15, जिसमें हम जो भारत के प्राचीन दरबारी कवि रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो द पोएट्स एंड राइटर्स वर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द कोर्ट ऑफ किंग्स एंड डायनेस्टीज बिकॉज दे शेप द कोर्ट्स एनवायरमेंट ह्यूमनली थ्रू ऑर्नामेंटल पोएट्री प्रोज। यानी कि जो हम कवि और लेखक होते हैं वो राजा के दरबार के आकर्षण का केंद्र होते थे, क्योंकि वो अपने प्रोज और पोएट्री के जरिए, यानी कि अपने काव्य सौंदर्य के जरिए, वो उन राजा के दरबार का जो पर्यावरण होता था उसको सुसज्जित करते थे। हेयर वी आर गोइंग गिविंग द लिस्ट ऑफ द पोएट्स इन द कोर्ट्स ऑफ किंग्स इन एंशियंट इंडिया। यहाँ पर हमने प्राचीन भारत के जो राजा राज दरबारी कवि थे उनकी कुछ लिस्ट देने जा रहे हैं, कुछ कवियों के नाम दिए जा रहे हैं। तो आओ हम उस पोएट के नाम को पढ़ें और इसे अपने माइंड में भी रखें। इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य, जो कि विक्रमादित्य राजा जी थे, उनके दरबारी कवि रहे थे कालिदास। इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे स्टूडेंट्स? बाणभट्ट। इन द कोर्ट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चांदबरदाई। इन द कोर्ट ऑफ यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, जो कन्नौज के यशोवर्मन थे उनके दरबारी कवि थे भभूति। इन द कोर्ट ऑफ मिलनी अलाउद्दीन खिलजी बट एसोसिएटेड विद 7 रूलर्स ऑफ दिल्ली सुल्तान। और जो अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि तो अलाउद्दीन उलजी के थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के थे, लेकिन 7 शासकों को जो दिल्ली के सुल्तान थे वहाँ पर भी एसोसिएट किए गए थे, वो थे अमीर खुसरो। इन द कोर्ट ऑफ राष्ट्रकूट किंग कृष्णा थर्ड, जो राष्ट्रकूट के राजा कृष्णा थर्ड थे उनके दरबारी कवि थे श्री पुन्ने। इन द कोर्ट ऑफ शिवाजी, शिवाजी के दरबारी कवि थे परमानंद। इन द कोर्ट ऑफ संबलपुर किंग बलियर सिंह, जो कि इनके दरबारी कवि रहे हैं पंडित गंगाधर मिश्रा। तो स्टूडेंट्स, इन कवियों को, यानी कि किस राजा के दरबार में कौन से कवि रहे, कौन से कवि अपनी काव्य की सुंदरता से उनके दरबार के पर्यावरण को सुसज्जित करते थे, अपने काव्य रूपी ज्ञानों से उन्हें उनको सौंदर्य प्रदान करते थे, यानी कि उनके दरबार में रंग लाते थे, तो आपको इनके पोएट्स को हमेशा अपने माइंड में रखना है। फिर है हमारे इन द कोर्ट ऑफ कमतापुर किंग दुर्लभ नारायण, जो कि कमतापुर राजा दुर्लभ नारायण थे उनके दरबारी कवि थे हेमा सरस्वती। इन द कोर्ट ऑफ गुजरात प्रतिहार, जो गुजरात के प्रतिहारी कवि थे वो थे राजशेखर। इन द कोर्ट ऑफ होयसाला किंग्स, होयसाला के दरबार के कवि थे, जो कवि थे राघव अंका। इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग अरिकेसरी सेकंड, यानी कि जो चालुक्य के राजा अरिकेसरी सेकंड के थे दरबारी कवि वो थे आदि कवि पंपा। इन द कोर्ट ऑफ श्री कृष्ण देव राय, श्री कृष्ण देव राय के दरबारी कवि थे स्टूडेंट्स अलासानी पद्देना। इन द कोर्ट ऑफ श्री कृष्ण देव राय, उनके श्री कृष्ण देव राय के दरबारी कवि थे नंदी थिमना। इन द कोर्ट ऑफ वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह के दरबारी कवि थे अग हसन अमानत। इन द कोर्ट ऑफ पुलकेसिन सेकंड, पुलकेसिन सेकंड के दरबारी कवि थे स्टूडेंट्स रवि कीर्ति। तो हमें इनके नाम और किस दरबार के वो कवि रहे हैं वो अपने माइंड में रखने हैं और इनको लर्न करना है। अगर स्टूडेंट्स हम साथ साथ इन्हें लर्न करते रहते हैं तो हमें कभी भी इन एग्ज़ाम प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है और अपने माइंड में आपको इसे रखना है। तो स्टूडेंट, आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।